आज पूरी दुनिया के सामने पर्यावरण संरक्षण एक बड़ी चुनौती है। तेजी से विकसित होते औद्योगिक प्रौद्योगिकी और तेज रफ्तार से बिछते कंक्रीट के जंगल के कारण जल संकट और ग्लोबल वार्मिंग के काले बादल मंडरा रहे हैं। ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं। हम आए दिन सुखाड़ और बाढ़ जैसे भीषण प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे हैं। हमारा विकास ही हमारा काल होता जा रहा है। हम भूल रहे हैं कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हुए हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। इसी कड़ी में पृथ्वी दिवस पर मोतिहारी नगर भवन में हरियाली योजना जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। इस जल जीवन और हरियाली जागरूकता अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस दौरान पर्यावरण संकट पर मुख्यमंत्री ने संबोधन दिया, जिसका सीधा प्रसारण वेबकास्टिंग के माध्यम से किया गया और सभी लोगों तक अभिभाषण को पहुंचाया गया। इस अवसर पर बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग मंत्री प्रमोद कुमार, जिलाधिकारी रमण कुमार, पुलिस अधीक्षक उपेंद्र कुमार शर्मा के साथ कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने शिरकत की और पर्यावरण संरक्षण की संकल्प लिए। सनमार्ग लाइव के लिए मोतिहारी से प्रशांत कुमार की रिपोर्ट। भारत छोड़ो आंदोलन जो अंग्रेज गुलाम भारत था और 9 अगस्त 1942 को ही हम लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ डू एंड डाई इनकलाब का इस भूमि से ऐलान किया था, वह ऐतिहासिक भूमि आज इस सत्याग्रह के इस चंपारण के धरती से उस ऐतिहासिक दिवस पर जो आज हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी और वन एवं पर्यावरण एवं उप मुख्यमंत्री श्रीमान सुशील कुमार मोदी जी सहित विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से आज पूरे राज्य पर होने की संभावना दिख रही है तो वह संभावना जल के स्तर के ही दिख रही है। इसलिए हमें अभी जल का संरक्षण किया जाएगा, संवर्धन किया जाएगा, तब हमारा जल जीवन हरियाली कायम रहेगी। बहुत ही दूर नहीं कि आने वाला 20 साल 25 साल के बाद 50 साल के पूरे बिहार में जल और हरियाली इन दोनों के संरक्षण करते हुए राज्य के निवासियों के जीवन को बेहतर बनाना है, ये बहुत ही अनूठा है। पूरे भारतवर्ष में जल शक्ति मंत्रालय की ओर से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसको एक विशेष स्वरूप में बिहार राज्य में लागू किया जा रहा है। और आज हम लोग यहाँ पर माननीय मंत्री कला संस्कृति एवं युवा विभाग को तो सुनेंगे ही और पटना से सीधे लाइव सुनेंगे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि इस पूरे कार्यक्रम में पूरी तल्लीनता से आप भाग लें और इस कार्यक्रम के बाद जब आप अपने गांव, ग्राम और सरकारी पदाधिकारी के तौर पर अपने क्षेत्र में जाएंगे तो जो संदेश आज हम लोग ग्रहण करेंगे उसको क्रियान्वित करने में राज्य सरकार के अनेक विभाग हैं जिनके द्वारा इसमें पहल किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के नोडल डिपार्टमेंट के तौर पर वन एवं पर्यावरण विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग कार्य कर रही है। इसके साथ ही जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग और तमाम ऐसे विभाग हैं जिनके द्वारा इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं उपस्थित सभी पदाधिकारियों से अपील करता हूँ कि हम लोग अमूमन कोई भी सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं उसके कुछ लक्ष्य होते हैं, उसके लक्ष्य की उपलब्धि और प्राप्ति के लिए प्रयास किए जाते हैं, लेकिन यह एक अभियान पर पूर्वी चंपारण जिला के जिला स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित हमारे माननीय मंत्री कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार, सम्मानित अध्यक्ष जिला परिषद पूर्वी चंपारण, सम्मानित सदस्य जिला परिषद पूर्वी चंपारण, यहाँ पर उपस्थित सदर प्रखंड के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सदर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से आई हुई हमारी जीविका की दीदियाँ, सभी कर्मी, उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, मंच पर उपस्थित उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला स्तरीय सभी पदाधिकारीगण, वन प्रमंडल पदाधिकारी, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उपस्थित सभी साथीगण, मैं आप सबको जन जीवन हरियाली अभियान के जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए बिहार राज्य के माननीय मुख्यमंत्री की द्वारा
जो अभिनव पहल की गई है, इस अवसर पर पूर्वी चंपारण के सभी जिलावासियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। आज का दिन बहुत ही विशेष है, आज पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है और इस अवसर पर इससे बेहतर कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जो वन पर्यावरण एवं जलवायु संरक्षण विभाग के माननीय मंत्री भी हैं, इन दोनों के द्वारा आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं इस सभागार में जल जीवन और हरियाली बिहार सरकार के द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा पर्यावरण किया गया है। इस जल जीवन और हरियाली अभियान के इस जन जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री